तो यह है पार्ट टू ऑफ ड्राइंग दी मून नाइट। मुझे पता है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से अंदर हो रहा है कि भाई जल्दी आ जाए सीरीज़। 30 तारीख कब आए? नेक्स्ट वेडनेसडे को आ रही है, सबको देखना है, मैं भी देखूँगा। मार्वल के फ़ैन हो या ना हो, देखना है आपको भी, और ये स्केच भी बनाना है, ठीक है? अगर आप आर्टिस्ट हो तो ही, और मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई जो भी हो अपने बच्चों को बताओ, मतलब अगर आप पेरेंट हो तो बच्चों को बताओ, अगर आप खुद ही बना रहे हो तो भाई फोकस करके शांति से पेशेंस जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाते जाओ, आपके भी स्केचिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। और जो मैंने प्रीवियस पार्ट में मतलब पिछले पार्ट में भी बोला था और अभी भी बोलूँगा भाई, 75-80% लोग हैं एनालिटिक्स में मैंने देखा जो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं वीडियो, लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई तुम लोगों को? तो यही चीज़ है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना ही है, और रेट कर दो पूरे ट्यूटोरियल को। देन अगेन हम फोकस करेंगे जो पिछले पार्ट में रह गया था कि मास्क है उस पर। तो मास्क बनाने में हमने चारकोल पाउडर का भी यूज़ किया है और मेन जो ग्रेफाइट पाउडर, इसमें कभी भी यूज़ नहीं करना, ये दो चीज़ें कभी भी ब्लेंड नहीं होती है। और जो लोग बोल रहे होते हैं कि भाई चारकोल पाउडर कहाँ से हमें ख़रीदना चाहिए कि ऐसा है, भाई ख़रीदो मत, आपके पास जो चारकोल पेंसिल्स हैं उसी को आपके पास जो सैंड पेपर है उसके ऊपर रब करो, आपको आपके पास चारकोल पाउडर मिल जाएगा। जो मेरे पास चारकोल पाउडर है वो तो मैंने जब ब्लेंडिंग स्टंप खरीदे थे, और हाँ अगर आपको टूल्स ख़रीदने हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सारे के सारे टूल्स की डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है लिंक, आप जाके बाय कर सकते हो, बहुत ईजी है, अमेज़ॉन की लिंक है, आप जाके बाय कर सकते हो। तो वो पहले वो जो मेरे पास बॉटल पड़ी है पूरी छोटी छोटी है चारकोल पाउडर की, वो मुझे वहीं से मिली थी, तो ब्लेंडिंग स्टंप के साथ फ्री में आई थी। तो अगेन मैंने ब्लेंडिंग स्टंप यूज़ नहीं किया है, मैंने यूज़ किया है मैकेनिकल पेंसिल्स को आउटलाइन बनाने के लिए, सिर्फ आउटलाइन बनाने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरे मास्क को बनाने के लिए मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है, सिर्फ आउटलाइन के लिए। और वो आउटलाइन बनाने के लिए भी आप हार्ड चारकोल पेंसिल को रिप्लेस कर सकते हो ग्रेफाइट से। तो आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ करो हार्ड चारकोल पेंसिल। और अगर आपको नहीं पता कि चारकोल पेंसिल्स को शार्प कैसे करते हैं तो पूरा का पूरा ट्यूटोरियल मैंने डाल रखा है, वो आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो और मेरे चैनल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो, हाउ टू नाम से पूरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें आपको सारे के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कैसे शार्प करेंगे और सब कुछ। तो हर 10-15 स्ट्रोक के बाद आप शार्प करते रहो आपके पेंसिल को। देन अगेन अब हम फोकस करेंगे मेनली जो चीज़ है कि मास्क को बनाए कैसे। तो पहले तो हार्ड चारकोल पेंसिल से जितनी भी आउटलाइंस हैं उन्हें बना दो, जितनी छोटी से छोटी आपको आउटलाइंस दिख रही है डिटेल्स छोटी से छोटी उसको बना दो पहले। उसके बाद पहले बेस लेयर बनाने के लिए यूज़ करो चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर को उन्हीं जगहों पे डालो जहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्कर नहीं है, मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत राइट साइड वाला पार्ट देखो मास्क का तो थोड़ा बहुत लाइटर है, ठीक है? तो वो लाइटर पार्ट बनाने के लिए वहाँ पे आप अगर अब चारकोल पाउडर पूरा का पूरा डाल के घिस दोगे पूरा आपके जो भी पेंट ब्रश या फिर आप जो भी मेकअप ब्रश कुछ भी यूज़ कर रहे हो उससे, तो मेन चीज़ क्या होगी कि जो लाइटर पार्ट है उसको बनाने के लिए आपको रबर यूज़ करना पड़ेगा, और वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। बार बार रबर यूज़ करो, बार बार उसके ऊपर डार्कर करो, बार बार ऐसी चीज़ें बार बार चेंजेस नहीं करने हैं। सो यही चीज़ की वजह से हमें ये चीज़ पे फोकस करना है कि चारकोल पाउडर को सिर्फ जो डार्कर पार्ट्स है वहाँ पे डालो और उसके बाद उसको धीरे धीरे ब्लेंड करते रहो सारी जगहों पे। देन बेस लेयर हमारा बन चुका है, देन फर्स्ट लेयर के लिए यूज़ करो मीडियम चारकोल पेंसिल, और मीडियम चारकोल पेंसिल को सिर्फ जैसे आइज़ के आउटलाइन वाला पार्ट है, जैसे जहाँ पे थोड़ा बहुत लो लाइन वाला पार्ट दिख रहा है आपको मास्क के ऊपर, छोटी छोटी लाइंस बन रखी है और वो सब, वो वाले पार्ट्स है जहाँ पे आपको लाइंस बनानी है, डिटेल्स देनी है, इन शॉर्ट जहाँ पे डिटेल्स देनी है वहाँ पे आप मीडियम चारकोल पेंसिल से छोटी छोटी डिटेल्स दे दो और शेड कर दो। मैं रिकमेंड करूँगा शेड कर दो। देन अगेन यूज़ करो आपका जो ब्लेंडिंग स्टंप है उससे उसे ब्लेंड कर दो ताकि सारे पार्ट्स इक्वल दिखने लगे, और जहाँ पे लाइटर पार्ट है वहाँ पे आप मत थोड़ा भी ज़्यादा ब्लेंड मत करो, उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो आपका जो भी मेकअप ब्रश है या फिर पेंट ब्रश जो भी आप यूज़ कर रहे हो। देन अगेन फाइनली सेकेंड लेयर के लिए यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। हम सबको पता है कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होती है, तो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जैसे आइज़ का बाहर वाला पार्ट हो गया, जैसे एजेस है जो जहाँ पे हमारी कैप है मून नाइट की, और जो फेस है उन दोनों के बीच वाला पार्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा है, ठीक है? और जो नेक वाले मतलब गर्दन वाला पार्ट है जो मतलब मास्क के नीचे वाला पार्ट है वो कम्प्लीटली डार्क है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और कम्प्लीटली डार्क कर दो। और जो भी हम जब भी आपको पता ही होगा अगर आपने चारकोल पेंसिल यूज़ की होगी, तो जब भी हम चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं तो उसके आजू बाजू थोड़ा बहुत पाउडर बन जाता है, ठीक है? तो वो पाउडर को ही आपको यूज़ करना है आसपास वाले पार्ट में ब्लेंड करने
करने के लिए और उसको ब्लेंड करने के लिए। सेकेंड लेयर जो हमने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से बनाई है उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप मेकअप ब्रश यूज़ करो और ब्लेंडिंग स्टम्प सेकेंड लेयर के लिए यूज़ मत करो, क्योंकि जो ग्रेइश पार्ट हमें देना था, जैसे ब्लू कलर का जो मास्क है मून नाइट का, थोड़ा बहुत ब्लू दिख रहा है, ठीक है, उसमें भी थोड़ा राइट वाला पार्ट देखो जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे अगर आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर दोगे तो वो तो डार्क हो जाएगा और रियलिज्म आएगा ही नहीं। रियलिज्म तब भी आता है जब हाइलाइट्स, शेडोज़ और ये सारी चीज़ें मिक्सचर होकर एक पूरा स्केच बनता है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारा पार्ट कम्प्लीटली डार्क हो, ऐसा कम्प्लीटली नहीं होता कि सारा पार्ट एकदम वाइट हो। तो ये चीज़ पे फोकस करो। देन अगर हमारा मास्क पे फाइनली सेकेंड लेयर जब हमारी बन जाए, उसको हमने ब्लेंड कर दिया है हमारे मेकअप ब्रश से, देन अगेन यूज़ करो मोनो इरेजर। मोनो इरेजर सिर्फ उन्हीं पार्ट पे, जैसे आईज़ वाला पार्ट है, ठीक है, तो आईज़ कम्प्लीटली वाइट नहीं है, वो थोड़ी बहुत ग्रेइश है, तो वही लुक देने के लिए आप यूज़ करो मोनो इरेजर। थोड़ा बहुत मतलब रब करो, सारे पार्ट रब मत करो, क्योंकि उससे होगा कि वो कम्प्लीटली वाइट दिख के आएगी, और अगर कोई भी पार्ट कम्प्लीटली वाइट और कम्प्लीटली ब्लैक दिखता है तो वो ड्रॉइंग टाइप लुक देने लगता है, और वो हमें नहीं बनाना है, हमें रियलिस्टिक स्केचेस में जाना है। तो वही चीज़ पे फोकस करो, थोड़ा बहुत ग्रे बना दो और जितना हो सके उतना जूम आउट करो आपके स्केच को, मतलब जो रेफरेंस पिक्चर आप यूज़ कर रहे हो उसको। मोबाइल यूज़ मत करो, मैं रिकमेंड करता हूँ मोबाइल यूज़ मत, सॉरी जो प्रिंट आउट्स है वो यूज़ मत करो, मोबाइल यूज़ करो, आपकी जो गैलरी एप्लीकेशन है वो यूज़ मत करो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करो आपके रेफरेंस पिक्चर को जूम करने के लिए, जैसे पिक्सआर्ट है, ऐसी एप्लीकेशंस यूज़ करो जिससे आप जितना हो सके उतना जूम कर सको और एक दो बॉक्सेस पे आप फोकस कर सको। देन अगेन जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं मास्क के आसपास देने वाली, उसको बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो हार्ड चारकोल पेंसिल। उससे होगा क्या कि आउटलाइंस अच्छे से बन जाएगी, क्योंकि अगर आप फिर से सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करोगे तो वो आउटलाइंस दिख के आ जाएगी, और हमें कोई भी पार्ट एकदम से दिख के आता है कि अलग दिखता है, जैसे फेस भी आप जब बना रहे हो तो डार्कर से लाइटर लुक के बीच में ट्रांजिशन, जैसे आप आपके खुद के फेस को आईने के सामने अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि नोज़ पे आउटलाइंस दिख रही है आपको, ऐसा नहीं है कि आईज़ पे आउटलाइन दिख रही है, जैसे हमारे चिन वाला पार्ट होता है, जैसे हमारी गर्दन है और ये सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें कोई आउटलाइंस नहीं होती है, वो एकदम फ्लॉलेस दिखता है, मतलब सीधा दिखता है एकदम। तो वही चीज़ के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सेकेंड लेयर जब हमारी बन गई मास्क की, उसके बाद हार्ड चारकोल पेंसिल से आउटलाइन बनाओ। उससे होगा क्या कि वो ब्लेंड हो जाएगी सारे पार्ट से, क्योंकि हार्ड चारकोल पेंसिल थोड़ी बहुत ग्रेइश कलर में होती है, ठीक है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके नहीं बनाते हो तो वो ग्रे कलर में ही होती है। तो अगेन उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो ब्लेंडिंग स्टम्प। देन फाइनली अब हम स्टार्ट करने वाले जो आर्मर है, आपको तो दिख रहा होगा कि आर्मर बन ही चुका है, बट आर्मर जो और जो सूट पहन रखा है उन्होंने वो बनाएंगे, और भाई सूट में इतनी ज़्यादा डिटेल्स है जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री में। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा है इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टैटूज़।